गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, आज का अपडेट है उत्तर प्रदेश कंबाइंड बिगिन एडमिशन टू 2023। मैं आपको यहाँ पे ऑल डिटेल में बताऊंगा इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, बीएड कितने साल के कोर्स है, 2 साल का ये बीएड का कोर्स है। बाकी अगर आप अदर स्टेट से बीएड करिएगा तो यही कोर्स आपको कहीं पे 3 साल के लिए है, कहीं पे 4 साल के लिए है, लेकिन अभी तक यूपी में बीएड 2 साल का ही हो रहा है। मैं आपको ऑल डिटेल में बताने वाला हूँ इसकी सिलेबस क्या रहेगा, पेपर 1 क्या है, पेपर 2 क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री की है या ग्रेजुएट की है, यानी किसी भी डिग्री से, चाहे बीए, बीटेक, बीकॉम, कुछ भी किए हो तो आप इस एडमिशन टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है 10 मार्च 2023। तो चलिए मैं कुछ आपको ऑफिशियल डेट के बारे में बता दूं। फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट जो एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुई है वो 1 फरवरी 2023 को, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट होने वाला है फरवरी 10 फरवरी को स्टार्ट होगा और 10 मार्च को लास्ट डेट है। इसके बीच में आपको इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। आपको जो एग्जाम होने वाला है 20 से 25 अप्रैल के बीच में आपको हो जाएगा। रिजल्ट क्लियर होने वाला है 25 से 30 मई। काउंसलिंग जो होगा 1 जून से लेके 25 जून के बीच में। एकेडमिक सेशन यानी आपका जो क्लास स्टार्ट होगा 1 जुलाई 2023। अगर कोई डाउट हो आपको तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए, मैं आपको 100% रिप्लाई करूंगा। तो चलिए मैं आपको कुछ सिलेबस के बारे में बता दूं कि इसमें क्या सिलेबस है। जो पेपर फर्स्ट होगा उसमें सिलेबस है रीजनिंग, जीएस, जीएस मीन्स आपको इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, सोशल साइंस, यानी जीएस में जो भी सब्जेक्ट आता है वो पढ़ना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात है इसमें मैथ की कोई जरूरत नहीं है। और लैंग्वेज पेपर जो होगा आप इंग्लिश प्लस हिंदी लैंग्वेज पेपर में पास होना कंपलसरी है। ये जो एग्जाम होने वाला है जनरल नॉलेज, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 50 मार्क रहेगा, 100, और जो टाइमिंग रहेगा 3 आवर्स का रहेगा, टोटल क्वेश्चन 100 रहेगा। और जो पेपर 2 में होने वाला है जनरल एप्टीट्यूड मीन्स इसमें मैथ पूछेगा और साइंस, आर्ट, कॉमर्स, यानी जिससे आप ग्रेजुएट हैं उससे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये भी 100 मार्क का क्वेश्चन होगा और 200 टोटल मार्क आपको मिलेगा। ये भी एग्जाम पेपर 2 भी 3 घंटे की होगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे प्यारे दोस्तों आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और एक बात याद रखें कि ये इसमें निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग है, तो प्लीज आप लोग ध्यान से पेपर दीजिएगा। और अभी टाइम है तो आप अपना तैयारी कर लीजिए, इसमें कुछ खास नहीं रहता है, इसका कट ऑफ बहुत कम जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।